अरे हाय हाय की हलो बीजेपी हला किलो हाय हाय की हलो बीजेपी हला। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे एग्जिट पोल के मुकाबले चौंकाने वाले साबित हुए हैं। आज सुबह 8 बजे आसनसोल के साथ ही बंगाल के 42 सीटों के साथ ही देश भर के 442 सीटों के लिए मतगणना शुरू हुई थी। आसनसोल के शुरुआती रुझान में बीजेपी के एसएस अहलूवालिया आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा आगे निकल गए। दोपहर 12 बजे तक आए रुझान से पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा 22,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए। इस समय तक शत्रुघ्न सिन्हा को 1,99,419 वोट मिले, जबकि एसएस अहलूवालिया को 1,78,563 वोट मिले हैं। वहीं सीपीएम की जहानारा खान को 1,66,542 वोट मिले हैं। उधर दुर्गापुर बर्दवान सीट पर बीजेपी के दिलीप घोष पिछड़ गए हैं। टीएमसी के कीर्ति आजाद आगे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 12 तक 30 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी को मात्र 9 सीटों पर बढ़त मिली है। बंगाल में बीजेपी को 2019 की 18 सीटों से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। एग्जिट पोल में भी यह कहा गया था, लेकिन जो अभी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है।